नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर लाजवाब। लंबरगिनी इटली की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी है और यह दुनिया भर में अपने लग्जरी स्पोर्ट कारों के निर्माण के लिए मशहूर है। इसकी हुरेकन स्पाइडर अपने शानदार स्पीड के लिए जानी जाती है। यह कार महज 3.4 सेकेंड के भीतर ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। दुनिया भर में लंबरगिनी की कारें अपने खास स्पोर्टी अंदाज के लिए मशहूर हैं। तकरीबन हर कार प्रेमी का सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक लंबरगिनी कार खरीद सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई करोड़ों रुपए खर्च करके कार खरीदे और पल भर में ही कार के परखच्चे उड़ जाएं? यह सोचने मात्र से ही देह में सिहरन उठ जाती है। लेकिन ऐसा ही मामला यूनाइटेड किंगडम के सामने आया है, जहां पर शोरूम से निकलने के महज 20 मिनट के भीतर ही लैम्बर्गिनी की लग्जरी स्पोर्ट कार हुरेकन स्पाइडर बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वेस्ट यॉर्कशायर की पुलिस ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर इस कार की तस्वीर का पोस्ट करते हुए लिखा कि यह महज एक कार है, लेकिन शोरूम से महज 20 मिनट पहले निकली यह कार मैकेनिकल फेल्योर के चलते अचानक हाईवे पर रुक गई और पीछे से आ रहे एक वाहन ने इसे जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस द्वारा साझा की गई तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यह टक्कर कितनी तेज थी। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस वाहन से टक्कर लगी है वह एक वैन थी। इस हादसे में वैन के चालक के सर में चोट आई है। फिलहाल उसकी हालत ठीक है और वह खतरे से बाहर है। इसके अलावा किसी तरीके के अन्य नुकसान की जानकारी नहीं मिल रही है। इस तरीके की सारी खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।